हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे ब्लॉग भी पसंद आ रहे होंगे। तो गाइज, आज संडे है तो मैं आज थोड़ा फ्री रहता हूँ और मैं संडे के दिन कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ, तो मैं आज चर्च घूमने आया हूँ। तो मैं आपको चर्च दिखाता हूँ, आप देख भी रहोगे पीछे कि मैं चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ। तो चले गाइज, मैं आपको आज चर्च घुमाता हूँ। गाइज, मैं चर्च के बाहर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैं चर्च के एकदम मेन एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। ये मेरा फ्रेंड है और ये चर्च के मेन एंट्रेंस पर बड़ी सी बेल दी हुई है। गाइज, ये चर्च की एक खास बात है कि ये संडे के दिन ही ओपन होता है, 9 से 12 इसका टाइमिंग है। मैं काफ़ी बार यहाँ तक आया हूँ और वापसी चल गया हूँ घर, लेकिन आज ये खुला हुआ है, ओपन है यानी। तो मैं आज इसका ब्लॉग तो बना के जाऊँगा आपके लिए। देखिए गाइज, मैं आपको बेल बताता हूँ। ये रही बड़ी बेल, जिन्हें देखिए, ये रही, देखिए ये रही चर्च की बड़ी बेल। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अब। ये देखिए, कुछ बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है चर्च। आज काफ़ी पब्लिक होंगे गाइस, क्योंकि संडे के दिन ही खुलता है। ये देखिए थोड़ा ग्राउंड चर्च के बाहर का। गाइस, संडे के दिन यहाँ पे प्रे भी होती है, तो प्रे चल रही होंगी अंदर। काफ़ी लोग हैं गाइस, थोड़ा दिक्कत भी हो जाएंगी, देखते हैं अब क्या होता है। आपका भाई सूट तो कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हम चर्च के अंदर चलते हैं। ये राजू थॉमस जो अंकल है, हमें चर्च से मिलाएंगे। चलिए सर, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है आज संडे का माहौल। और ये रहा चर्च के फादर, ये देखिए गाइस, चर्च के फादर से हम बात करते हैं और कुछ चर्च के बारे में जानकारी लेते हैं। ये मेथोडिस्ट चर्च है यहाँ पर बुरहानपुर में, और इन दिनों में 40 दिन का रोज़ा हमारा चल रहा है और हर शाम को उपवास के द्वारा मीटिंग रखी जाती है, उपवास मीटिंग रखी जाती है। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो 2000 वर्ष पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसकी घटना को स्मरण करते हुए हम आराधना और इबादत करते हैं। सो ये 40 दिन हमारे रोजा के दिन चल रहे हैं और इसमें पूरे समाज के लोग शामिल होकर उपवास के साथ ईश्वर की इबादत करते हैं। क्योंकि रविवार के दिन का जो समय है बाइबल के अनुसार पवित्र दिन कहा जाता है, और उस दिन पवित्र दिन होने के कारण से ईश्वर ने 6 दिन में पूरे संसार को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए 7वां दिन जो होता है वो रविवार का दिन होता है, उस दिन पवित्र दिन मानते हैं, इसलिए रविवार को ही चर्च खोला जाता है। देखिए गाइस, इस प्रकार से कुछ है बुरहानपुर का चर्च। गाइस, चर्च, ये रहे फादर लोगों को समझाते हुए, प्रेरणा देते हुए। ये देखिए गाइस, जमीन और आसमान के बनाने वाले मालिक, हम बड़े हलीम के साथ आपके चरणों पर आते हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने इस शरीर को बनाया है, इसमें जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से दूर हो जाए। हे ईश्वर, हे हमारे आराध्य, आप अपने बेटे पर उनके शरीर की तकलीफ का तरस खाएं और उस तकलीफ को आप दूर करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। किसी का लुकआउट बैठने के लिए व्यवस्था, और मैं आपको अब बाहर लेके जाता हूँ। कुछ बाहर से कुछ इस प्रकार से है चर्च के लिए।
ये देखिए गाइस, बाहर से लुकआउट चर्च का,